छठा भाव है पहली से लेके चौथे है। जब रूह जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजाहमत ना करती रहेगी क्योंकि वो भी तो बशर है तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जबाद थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए हैं। के बारे में आज हम सीखेंगे क्योंकि इनके बारे में हमने कलाम बहुत कम सुना है बल्कि सुनना मैंने तो सुना ही नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं कि सिर्फ यही एक हवाला है बाइबल में, ऐसा नहीं है, और हवाले भी आपको बाइबल से। तो अजीजो ये जो जबार थे, जबार कौन थे? जब भी हम कोई मजमून इधर लेके आते हैं इस पुलपट के ऊपर तो उसके पीछे एक सवाल होता है। नहीं बात है, वो किसी भाई ने सवाल किया होता है, किसी बहन ने सवाल किया होता है और खुदा का खादिम जो है उसके ऊपर एक जामे तब्दील जो होती है वो बना के सिर्फ उसी को नहीं बल्कि सभी लोगों के सामने बयान कर देता है। ये एक सवाल का जवाब होता जो कि हम लोग इधर खड़े होकर जान कर। तो ये भी एक भाई का सवाल था कि जबारों के बारे में ज्ञान किया जाए और इसके बारे में बाइबल में से ज्ञान किया। इससे पहले मैंने जबारों के बारे में नहीं सुना। मैं एक किताब है जो कि बुक ऑफ इनोक, उसका तर्जमा उर्दू तर्जमा मैं ही कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई इसलिए मैंने इसका तर्जमा किया। और इसकी मेरा ख्याल है 108 अबवाब है और मैं तकरीबन कोई 36 चैप्टर का मैं तर्जमा कर चुका हूँ। आगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा क्योंकि तर्जमा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, और जो पिछले काफी जो बाइबल का उर्दू तर्जमा हुआ है, जो गलतियाँ हुई हैं उनको भी देखना पड़ता है कि इंग्लिश से कैसे जो ताजिश किए गए उसमें क्या क्या खामियां हैं। तो आज हम जबारों के बारे में सीखेंगे। जबार हैं कौन अजीजो? ये जो जबार हैं इनको इंग्लिश की जुबान में नफलियम कहा जाता है। जब आप टाइप करेंगे गूगल में या इनके लिए लफ्ज नेफलियम इस्तेमाल किया गया है और इनको बाइबल मुकद्दस में अनाक भी कहते हैं और इनके लिए बाइबल में लफ्ज बनी अनाक भी इस्तेमाल हुआ है और इनके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिनको बनी अनाक तो कहते ही हैं उसी हिसाब से इनको अनाकी भी कहते हैं। देखो क्या, और इसके अलावा इनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जन्नात भी इस्तेमाल होता है इन जबारों में। इसके अलावा देवता, जो कदीम देवता थे, पिछले दिनों मैंने उसके ऊपर एक मिस्र के जो देवता थे एक सामान पेश किया था, तो ये भी उन्हीं में से थे। कैसे थे वो मैं आपके बारे में बताऊँ। इसके अलावा जब हम अस्तस्ना की किताब पढ़ते हैं तो इनमें अस्तस्ना की किताब में जब वो लोग सफर कर रहे होते हैं यानी अपने मुल्क की तरफ जो सफर कर रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ लोग उन्हें मिलते हैं जो कि बड़े बड़े लंबे कद के होते हैं तो उनके लिए वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है अमीन। ठीक हो गया, तो ये सारे अल्फाज जो है ये जबारों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब बनी नूह का नूह का जो तूफान आया था उसमें जो जबार थे वो खत्म हो गए। बाइबल बताती है कि वो खत्म नहीं हुए, इसका भी हवाले हमें बाइबल में ज़बूरों में भी है लेकिन मैं तो आपको चंदे की बताऊंगा। लेकिन बाइबल में एक लिस्ट है इन हवालों जब हम सर्च करते हैं जबारों की, चंद हवाले मैं आपको बताता हूँ बाइबल में से। जब हम अस्तस्ना की किताब पढ़ते हैं, अस्तस्ना की किताब और उसका तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आदमी था जो कि बादशाह था और वो बादशाह कहाँ का था? ऊज का बादशाह था और उसके बारे में इस आयत में बताया गया है। चल मैं पढ़ देता हूँ।
यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि इसका जो पलंग होता था ये लोहे का होता था और उसका कद भी बहुत लंबा होता था। मैं पूरी आयत ही पढ़ देता हूँ। असफना की किताब तीसरे बाब की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि रफाइम की नस्ल से फक्त बसन का बादशाह ऊज बाकी रहा, जिसका पलंग लोहे का बना हुआ था और बनी अमोन के शहर रब्बा में मौजूद था, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक। आदमी का जो हाथ होता है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं होता, कोहनी तक जो होता है उसको हाथ कहा जाता है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा, यानी इसकी इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो इतना लंबा, 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर बताई गई है इस बादशाह की। ये भी उन जवारों में से थी। इसी तरह जब हम गिनती की किताब पढ़ते हैं तो गिनती की किताब 13वें बाब में और उसकी 33वीं आयत में भी हमें इन जवारों का जिक्र मिलता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ये जो हवाला था इसका पसे मंजर देखते हैं, सियाको सबाक देखते हैं। मूसा ने क्या किया कि जब वो सफर कर रहे थे तो जब सफर करते करते जब वो उस मुल्क के करीब पहुंचे तो मूसा ने 12 कबाइल में से 12 लोगों को चुना, 12 कबाइल में से 12 लोगों को चुना ताकि वो उस मुल्क में जहां हम जाने वाले हैं उसकी जासूसी करे, और उनमें उन 12 में 2 लोग यशुआ और कालब भी। ठीक हो गया जी। और जब वो जासूसी करने के लिए वहां पर जाते हैं अजीजो, तो वहां पर वहां से जब वापस उनको कहा गया था कि वहां का रहन सहन आपने देखना है, वो लोग क्या खाते पीते हैं और वो किस किस्म के लोग हैं, ये सारी मालूमात उन्होंने इकट्ठी करके इधर लेके आ गई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि वो लोग जो 12 गए थे जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया कि जो 10 लोग थे उन्होंने गलत मालूमात दी। गलत मालूमात मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि वो जबारों से डर गए, उन्होंने जब जबार देखे जबारों से डर गए और आगे अपनी कौम को उनके दिलों को बुलंद नहीं किया बल्कि उनके दिलों को और पस्त कर दिया ताकि वो उनके खिलाफ लड़ न सके। तो ये जो 2 लोग थे नून का बेटा कालब और यशुआ, ठीक है, इन्होंने फिर उन लोगों को फिर उन लोगों में और मूसा के दिल में वो चीज पैदा की कि हम उनसे लड़ सकते हैं, और बाद में फिर इन्होंने उनका मुकाबला भी किया और उन जबारों को वहां से खत्म कर। हालेलुया। खुदा को जब हम अपना जोर मांगते हैं खुदा से तो खुदा हमें जोर देता है, जब हम पस्त हो जाते हैं तो फिर जो है वो खुदा भी हमें पसंद नहीं करता, वो और पस्ती में हमें डाल देता। तो यहाँ पर जो नून का बेटा और कालिब था और जो यशुआ था, हम देखते हैं कि उस वादे की सरजमीन में यही 2 लोग गए थे, बाकी इनके जितने भी इनका जितना भी कुंबा था यानी 22 साल से जो बड़े थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो रस्ते में ही मर गए थे, सिर्फ यही 2 लोग वादे की सरजमीन पर पहुंचे और इन्होंने ही वहां पर जाकर फिर दोबारों को मारा। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम जब पहले तवारीख का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद नबी जो थे वो बहुत सारी जंगें लड़ते थे, तो उन्होंने जंगें जो थी वो जबारों के खिलाफ भी लड़ी। ठीक हो गया। बल्कि इन्होंने तो खुद 4 जबारों को मारा था, हम तो सिर्फ जो जाति जुलियत था एक कबीला था जिसका नाम जात था। ठीक हो गया। और इस जात के कबीला में बहुत ज्यादा सोरमा थे, सिर्फ जाति ही जो था वही एक सुरमा नहीं था, और दाऊद ने उनमें से 4 लोगों को मारा था, जाति जूलियत को तो मारा ही था इसके अलावा और भी, और ये हवाला आपको दूसरे समूह में 21वें बाब में मिलेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आप हवाला पढ़ ही दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला तवारी 20वां बाब और इन जबारों को सिर्फ दाऊद ने ही नहीं और लोगों ने भी मारा था, क्योंकि खुदा से जब हम मदद मांगते हैं जब ताकत मांगते हैं तो खुदा शर्जोरी देता है, तो दोनों हाथ लंबे जो लोग हैं उनको भी मारने की जरूरत है लोगों में।
पहला तो हमारे एक भीष्म बाप चौथी तरह के आदमी आए। इसके बाद जजर में फलस्तीनियों से जंग हुई, तब सिबकी ने सफी को जो पहलवान के बेटों में से एक था कत्ल किया और फिलिस्तीन मगलूब हुए। और फिलिस्तीनियों से फिर जंग हुई, तब यहूर के बेटे अलहनान ने जाति जूलियत के भाई लहमी को, जिसके भाले की छड़ जलाहे के शकीर के बराबर थी, मार डाला। फिर जाद में एक और जंग हुई, जहाँ एक बड़ा कदावर आदमी था, जिसके 24 उंगलियां यानी हाथों में 6-6 और पाँव में 6-6 थी, और वो भी उसी पहलवान का बेटा था। जब उसने इसराइल की फजीयत की तो दाऊद के भाई समई के बेटे योनातन ने उसको मार डाला। ये जात में उसी पहलवान से पैदा हुए थे और दाऊद और उसके खादमों के हाथ से कत्ल हुए। तो यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स का भी जिक्र देखते हैं जो जबारों में से था, जिसके दोनों हाथ में 12 उंगलियां थी। अभी तो जब हम ये फिगर्स देखते हैं ना, 7 का फिगर हो गया, तो 7 का फिगर आपको पता है कामलियत का फिगर माना जाता है। जब हम मकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो एक बरा जबा किया हुआ बरा जिसके 7 सींग थे, ठीक है, यहाँ भी 7 का आदत आ रहा है, और उसकी 7 आंखें और उसमें 7 रूहों का भी जिक्र है, ठीक है जी। तो ये 7 का आदत जो है ये कामलियत का आदत है, यानी 7 सींगों का, बरे के 7 सींगों का वहां पर मतलब क्या था, उसकी शाहजोरी, और उसकी 7 आंखों का मतलब यह था कि उसकी लामहदूद बसीरत, ऐसी बसीरत कि उस जैसी बसीरत किसी की हो नहीं सकती। 7 रूह, अब तो सिर्फ एक ही रूह के पीछे पड़े हुए हैं, 7 रूह हैं, ठीक है जी। यशाया की किताब 11वें बाब में इनके नाम के लिखा हुआ है, ऐसा पढ़ लीजिए। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब हम देखते हैं कि ये जवार असल में है कौन। तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि बुक ऑफ एनोक का मैं थोड़ा सा तारफ करवा देता हूं। बुक ऑफ एनोक को द लॉस्ट बुक ऑफ बाइबल भी कहते हैं, यानी बाइबल की गुमशुदा किताब भी इसको कहते हैं। जब बनी इसराइल को जब 70 ईस्वी में जब वहां की हैकल को तबाह किया गया और उनको तबाह बर्बाद किया गया, तो ये लोग वहां से तितर बितर हो गए। इन्होंने गारों में पनाह की थी और बहुत सारे लोग तो वो मुलक ही छोड़ गए थे, आगे पीछे बिखर गए थे वो लोग। और इन लोगों ने क्या किया कि अपने इनके जो सहायक थे उनके तमार भी गारों में ले गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने छुपा दिए। इन्होंने अपने तुमार जो थे वो भी उन गारों में जाके छुपा दिए। तो जब ये 47 या 48 में जब ये वापस आते हैं ये यही ज्यूज लोग, तो वहां पर एक गार उन्हें सारे कदीमा वालों को मिली जिसका नाम है कुमराम की गार। तो कुमराम की गार में क्या हुआ कि ये जो बुक ऑफ इनोक का सहीफा था स्क्रोल, यदि स्क्रोल जो था वो बुक ऑफ इनोक का वहां मिला, और हनोक का कैलेंडर भी वहां पर मिला था, और इसके अलावा बुक ऑफ जैशार भी वहां से मिली थी, ठीक हो गया। तो ये जो बुक है ये वहां से मिली थी, ये बुक खो गई। और इस बुक की मैं एक खास बात आपको बताऊं, जब मैं इसका तर्जमा कर रहा था तो इसके पहले चैप्टर में ही अजीजो मसीह यसु के आने की बुक को हमें पढ़ना चाहिए, और मैं इसकी वीडियो बना के भी अपने चैनल पे लोड कर रहा हूँ, और मैं इसका लिंक भी ग्रुप पे डालता हूँ, चाहे लोग देखते हैं। अच्छा, तो बुक ऑफ इनोक में इन जबारों के बारे में हमें बहुत ज्यादा तफसील मिलती है, असल में ये है कौन। आसमान के जो खुदा के बेटे, कलाम में क्या लिखे, खुदा के बेटों ने खुदा की आदम की बेटियों को देखा, तो ये खुदा के बेटे जो थे ये फरिश्ते। तो बुक ऑफ इनोक में जब हम पढ़ते हैं तो उनकी तादाद 200 थी, और उनके 10 सरदार थे,
और उनमें से 15 के नाम भी बुक ऑफ एनोख में दिए हुए। और जब हम बुक ऑफ एनोख का जब चैप्टर पढ़ते हैं छठा और सातवां, तो इनमें इनकी तादाद भी मिलती है और इनके सरदारों के नाम भी मिलते हैं। इनके चंद नाम मैं आपको बता देता हूं जो बुक ऑफ एनोख में हमें मिलते हैं। जो इनका सबसे बड़ा सरदार था वो समजाज था, उसका नाम समजाज था, यानी कि वो उन जो 10 सरदार थे उनसे भी बड़ा था। इसके अलावा अरकबर अमील जो फरिश्ता था वो था, अकमील फरिश्ता, तमसील फरिश्ता, मुईल फरिश्ता, राहील फरिश्ता, आर्मल, पेट्रोल, ये उधर जो नाम लिखे हुए हैं वही मैंने कॉपी किए हैं जो बुक ऑफ एनोख में। पेट्रोल यहद, तो जब वो यहद करते हैं और नीचे आते हैं तो वो आदम की बेटियों के साथ ब्याह करते हैं, तो उनसे जो नस्ल पैदा होती है वो तो बार बार आई है। ये हमें बुक ऑफ एनोख। आगे क्या होता है, यही फरिश्ते, ये वाले जो फरिश्ते थे 200 फरिश्ते, इन्होंने जबारों, जिन्होंने आगे जबारों की नस्ल चली थी, इन्होंने लोगों में अलूम भी उनको सिखाए थे, यानी कि जो काश्तकारी का इल्म था वो इन्हीं लोगों ने किसानों को सिखाया था। इसके अलावा घास का काम, यानी कि सोने चांदी लोहे का जो काम था वो भी इन्होंने ही इंसानों को सिखाया था, ये बुक ऑफ एनोख में आपको मिलेगा। इसके अलावा कृष्णात जादू टूना, ये भी इन्होंने इंसान को सिखाया, तो इसलिए खुदा इनसे बहुत ज्यादा नाराज हुआ था और इनको जहन्नम की गारों में बंद कर दिया। बुक ऑफ एनोख में भी जहन्नम की गारों का जिक्र है और बाइबल में भी जहन्नम की गारों का जिक्र है, इन्हीं चीजों के बारे में। देखो क्या इसके अलावा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदम की बेटियों के साथ ही ब्याह नहीं था किया, उन्हीं के साथ ही बदफेली नहीं देखी, इन्होंने जो रेंगने वाले जानदार थे उनके साथ भी बदफेली की, जो चौपाए थे उनके साथ भी इन्होंने बदफेली की। ये जो हवाला है ये भी हमें बाइबल से मिल जाता है, ठीक है। और जब इन्होंने ये बदफेली की थी तो इस बदफेली के बाद जो नस्ल पैदा हुई थी वो नस्ल आधे इंसान थे और आधे जानदार जानवर। पिछले दिनों मैंने कुछ देवी देवताओं के बारे में एक पैगाम सुनाया था जो कि मिस्र के देवता, तो उनमें से कुछ जो देवता थे उनके मुंह जो थे वो जानवरों जैसे थे जो मैंने बयान किए थे, और उनके जो बाकी के धड़ थे वो इंसानों जैसे थे। तो कहा जाता है ये भी जो नस्ल थी ये भी जबारों की ही नस्ल, क्योंकि उन्होंने जानवरों के साथ भी बदफेली की। मैं हवाला ही पढ़ देता हूं ताकि जो है अच्छा, जो कदीम देवता थे उनमें से कैसे हमें पता चलता है कि उन्होंने जानदारों के साथ, रिकने वाले जानदारों के साथ जब बदफेली की, कैसे पता चलता है, जब हम रा देवता को देखते हैं, जो कि कुछ हफ्तों पहले मैंने जो कलाम पेश किया था, रा देवता जो सारे देवताओं का बाप था, इसको री भी बोलते हैं रा भी बोलते हैं, इसका जो मुंह था वो अकाब जैसा था और इसका बाकी का धड़ जो था वो इंसान जैसा था, तो ये भी कहा जाता है जबारों की। इसके अलावा जो सहमत देवी थी इसका मुंह जो था वो शेर की तरह का था, यानी उन्होंने शेरों के साथ भी बात करी थी। इसके अलावा सेत देवता के मिस्र के देवताओं की बात कर रहा हूं, इसका मुंह जो था वो गधे की मानस था और बाकी जो धड़ था उसका वो इंसान की मानस था। इसके अलावा हेक्ट देवी, हेक्ट देवी का जो मुंह था जब मेंढकों का अजाब आया, ठीक है, तो इस देवी के पास इख्तियार था कि वो मेंढकों को रोक सकती थी, लेकिन खुदा ने वहां पर इसको हराया था और इसका इख्तियार उन पर मेंढकों पर ना रहा और मिस्र के ऊपर मेंढक चढ़ आया। तो हेक्ट देवी तो जो थी इसका मुंह जो था वो मेंढक की तरह का था, बाकी इसका धड़ जो था वो एक औरत की तरह।
तो जब इन्होंने जानवरों के साथ बात फैली की, तो जानवरों के साथ बात फैली करने की वजह से ये नस्ल भी पैदा हुई। तो जो इंसान की बेटियों के साथ जो उन्होंने शादियां की और जो नस्ल पैदा हुई वो जवार थे, उन्होंने जमीन के ऊपर तबाही मचा दी। अनूप की किताब में लिखा है कि उन्होंने जमीन के ऊपर तबाही मचा दी, और जब उन्होंने तबाही मचा दी तो खुदा ने लोगों की फरियाद को सुना और बाद में फिर वहां पर आ जाते हैं अनूप नबी। अनूप नबी को फिर वो जब खुदा देखता है कि इन्होंने तो ये बहुत ज्यादा गलत काम किया जवारों ने, तो फिर जवार जो है वो अनूप नबी से रास्ता करते हैं, क्योंकि ये जो फरिश्ते थे ये सिर्फ और सिर्फ अनूप को ही नजर आते। अनूप के बारे में बाइबल में बहुत कम लिखा हुआ है। भाई ने भी मुझसे एक सवाल किया था कि अनूप नबी के बारे में बहुत कम बाइबल में लिखा हुआ है, बिल्कुल कम लिखा हुआ है। इनका पूरे का पूरा सहीफा है, और इस सहीफे में वो एक रोया देखते हैं आसमान के सारे, जिस तरह जॉन जो है वो रोया देखते हैं, जिस तरह बुक ऑफ अनूप में अनूप नबी जो है वो भी रोया देखते हैं, और आसमान की वही सारी चीजें। तो अनूप नबी को ही वो फरिश्ते जो थे वो नजर आते थे, यानी कि जब हम तालमूद की किताब पढ़ते हैं तो अनूप नबी जो थे वो आदम से सातवीं कुश्त में थे, ठीक है। तो इनका चेहरा, क्योंकि ये खुदा की हजूरी में रहते थे जब तालमूद की किताब पढ़ते हैं, और इनका चेहरा जो था वो इतना ज्यादा जलाली था कि लोग इनके चेहरे की झलक को महसूस नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते। तो फिर क्या करते थे, तालमूद में लिखा हुआ है कि ये फिर हफ्ते में एक ही बार लड़ आया के सामने आया जाए, ये ताबूत ठीक हो गया। तो अनूप नबी जो था वो खुदा की हजूरी में रहने वाला बंदा था, और ये फरिश्ते उनको नजर आ रहे होते हैं, और इनको भी पता होता है कि अनूप ही हमारी शफात कर सकता है, और ये क्या करते हैं कि अनूप को अपने पास बुलाते हैं और इनसे एक पटिशन लगवाते हैं। पटिशन कहते हैं कुछ अर्जी दरख्वास्त वगैरह ना, तो इनसे एक दरख्वास्त लगवाते हैं और कहते हैं कि तुम ये दरख्वास्त लेकर अनूप को कह रहे हैं, अभी वो अनूप को कह रहे हैं, ये बुक ऑफ अनूप की बात कर रहा हूँ, अनूप को कह रहे हैं कि तुम ये दरख्वास्त लेकर खुदा की हजूरी में जाना, ताकि हमसे ये जो कोताही, ये जो गुनाह हो गया है, इससे खुदा हमें माफ कर। अनूप उनकी पटिशन लिखता है, उनकी जो दरख्वास्त है वो लिखता है, और एक दरिया के किनारे जब बैठता है तो वो वहां पर सो जाता है, और खुदा उसको रोया दिखा देता है कि इनकी ये दरख्वास्त कबूल नहीं हो सकती, बल्कि वहां पर बताया जाता है कि इनको कैद कर लिया जाएगा, और इनको घरों में कैद कर लिया जाएगा, और वो घरें होंगी जहन्नम की घरें, और ये उस वक्त तक कैद रहेंगे जब तक कि जजमेंट का दिन यानी क़यामत का दिन नहीं आता। और ये हवाला हमें बाइबल में भी मिलता है। बाइबल में कहाँ मिलता है, बाइबल में ये हवाला हमें दूसरे पत्रस दूसरे बाप में मिलता है, उसकी तो ये तलावत की थी। दूसरा पत्रस दूसरा बाप और उसकी तो क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में बेचकर तारीकी गारों में डाल दिया, तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हरासत में रहे। तो खुदा ने इन फरिश्तों को जजमेंट वाले दिन तक गारों में कैद किया, जहन्नम की गारों में, और यही जिक्र हमें बुक ऑफ अनूप में मिलता है। तो अजीजों, जब ये जो नेफलियम या बनी अनाक थे ये मौजूद थे, उस वक्त भी मौजूद थे, आज भी जब हम उस इलाके के लोगों को देखते हैं तो वो हमसे ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, कद में भी बड़े होते हैं। ये जो सूर्या के लोग हम देखें, ठीक है जी, हमारे साथ भी काम करते हैं, और ये जब बात करते हैं तो एक दफा कमरे को ला देते हैं, ऐसे बात करते हैं ये लोग, सूर्या के जो लोग हैं, ठीक है, इनके कद भी उस इलाके के। तो जब मसीह यसू का दौर आता है तो इनके लिए लफ्ज जो था वो शैतान भी इस्तेमाल किया गया, जन्नात भी इस्तेमाल किया गया। तो मसीह यसू का जब दौर आता है तो इन्हीं में से जो खुदा का बेटा अबलीस जो था वो मसीह यसू को भी अपनाता है,
सबसे पहले उसने आदम और हवा को आजमाया। आदम और हवा जो थे वो खुदा के मियार पर पूरे ना उतर सके। वहां आजमाने के बाद जब खुदा ने अपने बेटे को भेजा तो उधर भी आजमाने के लिया। देखता हूँ तो मसीह यसू की आजमाइश करता है यहाँ पर इसको और मसीह यसू का बदरूहों से वास्ता पड़ता है। जब भी वो लोगों में से बदरूहें निकालते थे मसीह यसू, तो वहां के जो फकीर और फरीसी थे वो कहते थे कि ये जो बदरूहें निकालता है ये खुद वो खुद नहीं निकालता, बल्कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से निकालता है। जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं नौवां बाब, तो उसमें एक गुंगे में से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बदरू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है वो यहूदी कहते हैं कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से निकालता है। इसके अलावा भी एक और जगह है वहां पर बालक बोल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी मदद से यानी मत्ती 12वें बाब एक अंधे गुंगे को मसीह यीशु ठीक करते हैं और उसमें से जब बदरू निकालते हैं तो वहां पर जो लोग थे फकीर और फरीसी वो कहते हैं कि इसमें तो कोई चीज नहीं है, ये उसकी मदद से निकालता है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। तो जब हम देखते हैं मसीह यसू का दौर, तो मसीह यसू को जब ये चीजें देखती थी तो मसीह यसू को क्या कहती थी कि तू वक्त से पहले ही हमें अजाब में डालने के लिए आ गया। ये कहा करती थी, चलाती थी कि तू वक्त से पहले ही हमें अजाब में डालने के लिए आ गया। तो अजी तो इन जो ये जो फरिश्ते थे 200 फरिश्ते जो कि बुक ऑफ यूब में जिनका देखा है जबार, जिनसे आगे जबारों की नस्ल पैदा हुई, इन्होंने जो गुनाह किए, इन्होंने जादूगरी का जो इलम जो सिंपली इलम जो लोगों को सिखाया, ठीक है, और फिर इस्मात लोगों को सिखाए। खुदा ने अपने कलाम में कहा है कि उन लोगों के लिए भी खुदा ने सजा का हुक्म रखा। मसीह यसू ने तो शैतान को शिकस्त दी ही दी, ठीक है जी, और इनके लिए खुदा ने भी ये सजा रखी है। जब हम मकाशफा की किताब पढ़ते हैं इक्कीसवां बाब, तो उसमें लिखा हुआ है आठवें आयत में लिखा हुआ है इन जादूगरों बुत परस्तों हरामकारों और होमियों के बारा बताया गया है कि इनको आग और गंधक में डाला जाए। तो इन लोगों के लिए बुत परस्ती भी जबारों से ही शुरू हुई कि देवता लोग जो थे उन्हीं के देवता बनाए गए और फिर बुत परस्ती स्टार्ट हुई। बल्कि हम तो देखते हैं कि हैकल में हैकल के अंदर भी बुत हुआ करते। हम अक्सर मेरे वो आता है कि मैंने एक हैकल के ऊपर मजमून बनाया था, तो हैकल का जब मैंने मजमून बनाया था तो हैकल के मजमून के बनाने के बाद मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ था कि जो सरपोश था उसके ऊपर दो फरिश्ते थे जो कि प्रस्तुत करते हुए दिखाए जाते हैं जो कि लकड़ी के बनाए गए थे, वो भी तो बुत ही थे। और पहले हुक्म में खुदा जो है वो बुत परस्ती से मना करता है, ठीक है, और सिर्फ वही दो बुत नहीं थे बल्कि दो महाकाल बुत भी थे जिनके मुंह शेरों की तरह थे, ठीक है जी। तो ये भी एक सवाल ही है। तो जब सवाल किया जाता है तो आदमी को हमें यानी के बाइबल को रिवाइज करने का एक मौका मिल जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता सवाल करने का कि उसने मुझे लेट डाउन कर दिया है। नहीं, मैंने भी पिछले हफ्ते पास्टर साहब से सवाल किया था तो उसका भी जवाब हमें मिल भी गया था, ठीक है जी। तो ऐसे जो हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें हमारे अंदर सवाल आते हैं, जन्म लेते हैं कि यार ये कैसा था, ये कैसे था। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं तो हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और बाइबल में से एक मजमून बनाकर खुदा के मजबा के ऊपर आते हैं। तो आज के कलाम का नतीजा।